ना? ये जो वर्ड है ना तिकड़म ये हम सब पे एप्लीकेबल, है क्योंकि तो हम सब इतनी कट थ्रोट जिंदगियां जो तो जी रहे हैं चुड़ैल क्या होती है <laughs> चुड़ैल बहुत डेंजरस चीज होती है यू सी इट यू रन मेरे जीवन में तो फॉर श्योर रिजेक्शन ही रिजेक्शन है शुरुआत में नौकरी लग गई बर्तन मांजने की इंडियन रेस्टोरेंट में तो मानिए बर्तन दबा के इतने अच्छे बर्तन मानता तो मेरे से अच्छा मान सबका

आपके कॉन्फ्लिक्टिंग से है हम लोग अपने माता पिता को जनरेशन गैप की देते थे। अब हम भी जो है वो जो नई जनरेशन है उसके बारे में बातें करते हैं कि अच्छा ये लोग हम लोग कैसे थे ये लोग कैसे हैं 2004 में मुंबई आया था 2004 के एंड में पहली फिल्म मिल गई चंद्रा की यार मैं वेट कर रहा था ऐसा कुछ आने का एक्चुअली तो आपने जैसे मेरे बाकी कामों को इंटेंस बोला है वो मुझे भी समझ में आने लग गया था कि बहुत ज्यादा हो रहा है ये कानपुर से दिल्ली दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से फिर दिल्ली फिर दिल्ली से मुंबई और फिर सुखताल सुखताल <laughs> तिकड़म <थुर्पाताल>, सुखताल सुखताल <laughs> तिकड़म तो अमित सियाल ने खूब की जीवन में आपने जिस तरीके से इंटरव्यू किया है तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा सब क्या किया मैंने नहीं पता तो है मुझे लेकिन मुझे लगता है कि ये ये जो वर्ड है ना तिकड़म ये हम सब पे एप्लीकेबल है क्योंकि हम सब इतनी कट थ्रोट जिंदियाँ जो जी रहे हैं और सब प्रोफेशनल लोग हैं तो हर जगह तिकड़म लगाना पड़ता है ना अपने प्रोफेशन में भी लगाना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगाना पड़ता है माँ बाप के साथ भी लगाना पड़ता है बीवी के साथ भी लगाना पड़ता है बच्चों के साथ लगाना पड़ता तो बहुत तिकड़म किए हैं यार और मुझे लगता कर नहीं पड़ते हैं अगर कहीं पहुँचना है तो बिल्कुल और शाम जाम दंड भेद राइट सब ट्राई करके जैसे भी आपको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचना ही पड़ेगा तो आई थिंक हर स्टेप पे तिकड़ में लगी हैं स्कूल uh, में लगी हैं चाहे वो होमवर्क ना करना हो चाहे वो होमवर्क किसी से कॉपी करना हो <laughs> चाहे <laughs> चाहे मेरी मदर जो हैं वो स्कूल में लाइब्रेरियन थी मेरे उन तक तो खबर ना पहुँचे कोई उसकी भी तिकड़ में यू नो कानपुर से दिल्ली जाना uh, तिकड़म वो तो खैर माँ बाप नहीं बोला मुझे बोला था कि जाओ तुम निकलो यहाँ से क्योंकि तुम तुम सही राह पे नहीं जा जा रहे रहे हो हो कानपुर में कहीं और जा रहे हो तुम. और ऑस्ट्रेलिया जाने की तिकड़म लगाई थी रोना धोना करके इमोशनल <laughs> ब्लैकमेल करके माँ बाप <laughs> और सोचा एक्टिंग ही करूँगा अब तो, तो भाई मुंबई जैसे डिफिकल्ट शहर में यू नो एक तो वाइब्रेंसी ऐसी मुंबई की अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो ना तो आप वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये दुनिया जो भागा दौड़ी कर रही है लोग कहीं जा रहे हैं तू क्यों नहीं कहीं जा रहा राइट में लगती रहती है भाई अभी तो अभी तो और तिकड़ में लगेंगी बिल्कुल मुझे <coughs> लगता है जब तक जिंदगी रहेगी तिकड़म यही लगता रहेगा और तिकड़म शब्द यूज इसलिए किया कि इनकी एक फिल्म आई है जियो सिनेमा पे तिकड़म मैंने एक फेलो जर्नलिस्ट से उस फिल्म की बड़ी तारीफ सुनी जी और मैं मजबूर हो गया उस पिक्चर को देखने के लिए मैंने तुरंत उसके स्क्रीनर का जुगाड़ किया और मैंने वो पिक्चर देखी बहुत ही प्यारी पिक्चर है <laughs> मतलब आज के जमाने में जहाँ पर इतने छल कपट ये सब चीजें चलती रहती हैं एक ऐसा कंटेंट भी बहुत एग्रेसिव भी बनता है इसके टाइम में एक ऐसी पिक्चर जो बहुत धीरे धीरे चलती है अपनी ताल पे चलती है अपनी पे चल रही है बाप की कहानी जो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाता है और बच्चे बाप के लिए क्या कुछ कर जा तो थोड़ा सा पहले तो इसी की बात करते हैं अच्छा आपके पिताजी का भी जूतोगा ही काम जी तो जूते मिलते थे क्योंकि इस पिक्चर में जूता जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता मुश्किल से मिलते थे भाई स्कूल के जूते फट जाते थे तो पिताजी का पहला तो हमेशा होता था नो कि फटे हैं सिलवा ले नया क्यों लेना है तुझे जबकि जूते की दुकान थी जबकि जूते की दुकान थी वो लॉजिक मुझे तब समझ नहीं आता था बाद में समझ में आया कि वो ही वॉज ट्राइंग टू टीचर्स की वैल्यू ऑफ मनी और रिसोर्सेज

बहुत जनरेशनल चीज़ है यू नो you know, अभी अभी मैं अपने आप को ही पाता हूँ कि यू uh, नो you know, वो एक, हम लोग अपने माता पिता को जनरेशन गैप की दुहाइयाँ देते थे यू you नो know, और अब हम भी जो है वो जो नई जनरेशन है उसको उसके बारे में बातें करते हैं कि अच्छा ये लोग हम लोग कैसे थे ये लोग कैसे हैं यू नो आई थिंक वो जनरेशन गैप का की वजह से था प्लस हमारे पापा लोग जो है ना वो मतलब एक्सटीरियर जो है ना हमेशा टफ रहता था उनका यू नो कि मैं बाप हूँ बाप की तरह बिहेव करना चाहिए और इमोशंस नहीं दिखाने दिखा सकते हैं हाँ, आ, ये आ, ये हाँ। ये पहले के पापाओं में ये चीज है अंदर से वो सब कुछ महसूस करेंगे लेकिन वो दिखाएंगे नहीं जैसे कि हार रहेंगे नारियल बहुत बहुत लेटली अ, मेरे पापा भी और मैं भी उनको अ, अब बोलने लगे कि पापा आई लव यू बचपन मुझे कभी याद नहीं है कि उन्होंने भी मुझे आई लव यू बोला या मैंने भी उनको आई लव यू बोला मम्मी के साथ तो चलते ही रहता था और है कुछ हम उस जनरेशन उस का ना आई थिंक थोड़ा जेनरेशन का भी है और एक थोड़ा एक यू नो बिकॉज यूर यू हेड ऑफ़ द फैमिली मेल ऑफ़ द फैमिली द प्रोवाइडर तो वो उस उसका भी कुछ ना वो है इफेक्ट या बर्डन कह लीजिए अच्छा आपके जो रोल रहे अब तक के ज्यादातर बड़े इंटेंस रहे महारानी हो या फिर मिर्जापुर में भी ले लीजिए या फिर लेट ले। ये जो है ये मुझे लगा कि अब तक का सबसे सॉफ्ट किरदार आपका बिल्कुल कैसे डिसीजन लिया कि मैं इस कैरेक्टर में फिट हो जाऊँ यार मैं वेट कर रहा था ऐसा कुछ आने का एक्चुअली तो आपने जैसे मेरे बाकी कामों को इंटेंस बोला है वो मुझे भी समझ में आने लग गया था कि बहुत ज्यादा हो रहा है एक ही तरह का हो रहा है हाँ बार एक ही तरह का हो रहा है और क्या यार मैं मतलब एक्टर हूँ यू नो मल्टी मल्टी फैसटेड इंसान हूँ हंसता भी हूँ हंसाता भी हूँ रोता हूँ रुलाता हूँ यू नो जो भी कोई नॉर्मल सी होती है एक ह्यूमन बीइंग में वो सब है मेरे अंदर तो मैं एक ही चीज़ पर क्यों मतलब मुझे अटके रहना चाहिए कि मैं मतलब हार्ड हिटिंग स्ट्रॉन्ग यू नो षड्यंत्रकारी टाइप के यू you नो know, रोल करता रहूँ अब वो क्या है वो मिली वही रहते थे क्योंकि वो जब एक इमेज बन जाती है तो मुझे लगता है आ, यहां वही सब तो, होता। तो क्या है वो देखने वाले की और या काम देने वाले की भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने आपको ऐसे देखा हुआ उसको लगता है आप ये बेस्ट यही कर रहे हो यही चल रहा है तो इसी में ही फिट करते हैं तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था तोड़ना वो अपने लिए भी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी प्लस ऑडियंसेस को दिखाने के लिए भी कि भाई यही नहीं बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ तो एकदम बिल्कुल सही टाइम पे आई है स्क्रिप्ट मेरे पास और मैं बिजी भी था बहुत उन दिनों तो मैंने पिच डेक देखा बड़ा जैसी पिक्चर देखी है ना आपने उसी सरलता जैसा एक पिच डेक था जिसमें कार्टून बने हुए थे बाप के बच्चों के दादा दादी के बहुत ही चाइल्ड लाइक -like फॉन्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि हर कैरेक्टर क्या है तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि ऐसे पिच डेक्स आते नहीं है यूजली बहुत टेक्निकल होते हैं वो ना मूड बोर्ड ये बोर्ड फलाना बोर्ड बोलिए यार ये एकदम से अपील कर गया मुझे प्लस मैंने फिर वो कहानी पढ़ी और विवेक जो है राजमा चावल पहले लिख चुके थे फिल्म तो मैंने कहा यार ये तो आदमी लिखता बहुत अच्छा है नो? और फिर वो आई गई हो गई बात मैं बिज़ी हो गया और बट मेरे सबकॉन्शियस में ठहर गया वो जो पिकटेक था ना और तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इनके पास शायद है वो आप तो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों वहाँ करा होगा मैंने और वापस जब आया तो मैं अपनी मैनेजर के साथ बैठा हुआ तो मैंने कहा यार वो कहाँ गया तिकड़म करके एक आई थी पिच टैक वो कहाँ है तो फिर वो भी भूल गई थी मैं भी भूल गया था तो हम लोगों ने फिर से कॉन्टैक्ट किया तो लकली इन्होंने किसी को लिया नहीं था फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी एंड दे वर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट तो इन्होंने भी बोला कि अरे हम अच्छा हुआ ये टाइम मिल गया हमको तो मैंने कहा भाई ये डेट्स हैं और लेट्स जंप राइड इन टू इट आई एम मोर देन विलिंग टू डू दिस फिल्म और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें जो है ना वो आ, लाइफ ऑल्टरिंग भी होती है और करियर चेंज भी अच्छा करती है बिल्कुल यू नो और अभी जिस तरीके के रिव्यूज़ मिल रहे हैं जगह जगह से यू you नो know, दोस्तों के फिल्म इंडस्ट्री में और बाकी भी ऑडियंसेस के नॉर्मल ऑडियंसेस के बहुत हार्ट वार्मिंग है यार और दो तीन तो टीम के फ़ोन पे मैसेजेज आए रोते हुए उनके दोस्तों के पॉज करके कि यार ये क्या बना दिया तुमने यू नो बिकॉज इट्स रिलेटेबल फिल्म यार और सबकी फैमिली है सबके बच्चे हैं यू नो जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं बट उनका उनका फॉन्डनेस ऑफ मेमोरीज तो हैं ही उनके पास तो आई थिंक सबसे सब एक पूरा एक इतने टाइम के बाद ऐसी फैमिली फिल्म आई जिससे हर कोई फैमिली मेम्बर रिलेट कर सके मैं वही बता रहा था कि इस फिल्म में आप इस इंटरव्यू को देखने के तुरंत बाद जियो सिनेमा पे ये पिक्चर देखिएगा और फिर थैंक यू बोलेंगे हमको जी तो इसमें जो बच्चे पिकनिक पे जाना चाहते हैं उनको पापा से पैसे चाहिए तो मुझे याद आया देखते हुए यार, ये 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 तो मतलब यार, 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 यार पिकनिक पे जा रहे हैं अच्छा कितने आठ सौ रुपए नहीं आ रही है तो तू एक काम कर तू ये ले तू वो ले अकेले क्यों जाना हमारे साथ चलो अकेले क्यों जाना और क्लास में आप जो है आपकी बेजती हो रही है तू पिकनिक पे नहीं जाए तो ये बड़ी सारी ऐसी रिलेटिव चीजें हैं जो आप महसूस करेंगे अपने फादर से आपका रिलेशन अपनी मदर से आपका रिलेशन मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती है अच्छा एक आपने ये बात बोली कि बड़ी ब्यूटीफुल चीज है जैसे इसमें फिल्म में भी बहुत ही सटल तरीके से दिखाया है फादर सन रिलेशनशिप उसमें क्या है ना टकराव रहती है यू नो you know, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली भी ना जो बेटे हैं वो माओ की तरफ ज्यादा रहते हैं बेटियां जो है वो बाप की तरफ बिल्कुल 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 तो भी बहुत अच्छे तरीके, तरीके से दिखाया है और क्या मुझे लगता है कि ये बाप बेटे का जो टकरार है ना ये वो वाली बात है कि एक मयान में दो तलवार कि चुड़ैल क्या होती है <laughs> चुड़ैल बहुत डेंजरस चीज होती है यू सी इट यू रन इस पिक्चर में एक सीन है और आपने इम्प्रोवाइज किया था उस सीन को वो इम्प्रोवाइज किया था क्या है वो इन द प्रोसेस ऑफ थिंग्स प्लस हम लोग इतनी ब्यूटीफुल जगह पे रह रहे थे कि इत, सच में बता रहा हूं भाई इतना ऑक्सीजन लेवल हाई था ना वहां कि दिमाग अच्छे से, से चल रहा था शूट शूट हुई हुई है ये खुरपा ताल में okay. उस, दस बीस बीस मिनट पहले है नैनीताल से ओके okay. बहुत छोटा सा विलेज क्वेंट लिटिल विलेज तो ऐसे ही जब क्या है ना कि अब आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो तो आपका भी दिमाग सारा टाइम चल रहा था प्लस हम लोग पहली बार बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा काम किया जिसमें हम एक जगह गए और तीस पैंतीस दिन सब साथ में ही रहे वहाँ पे तो बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट बन गया ये तो मेरे पास भी पचास सजेशन थे बाकी लोग भी सजेशन दे देते थे क्रू मेंबर भी कोई सजेशन दे देता था कि ऐसे करें वैसे करें तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल कोलाबरेटिव एफर्ट है ये फिल्म तो उसी के चलते वो कुछ चुड़ैल का था वो डायलॉग और तो वो जो मेरी बॉस बनी है वो मुझसे पूछते कि चुड़ैल का क्या मतलब है <laughs> तो मैं उसको एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ तो वो खुद ही बोल देती कि अच्छा नेवर माइंड <laughs> ये था ओके okay. तो मैंने डायरेक्टर को बोला विवेक को मैंने बोला यार इसको ना मुझे इलाबोरेट करने दे चुड़ैल क्या हो यू नो बिकॉज और टूटी फूटी इंग्लिश में करता हूँ मैं बिकॉज <laughs> उस तरीके का <character> कैरेक्टर <laughs> है तो अपने आप ही हो गया यार वो मतलब वो एक टेक में हुआ है वो जो मैंने बोला सारा वो और उसी टाइम बोला बिना सोचे समझे तो बिना सोचे समझे जो बोला ना इट एक्चुअली वर्कड इट अप इन माई हेड इट तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकल आया अच्छा इस फिल्म में तो प्रकाश को नौकरी से पता चलता है उसको निकाल दिया जाता है बट तब भी वो मालिकीन के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर में रहता है मतलब वेरी very... मैं चाय दे के आऊंगा अगर और कोई चाय नहीं दे रहा है तो असल में अमित सियाल कैसे हैं अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो उसी तरह से लेते हैं या फिर यार आई थिंक uh, मेरे जीवन में तो फॉर श्योर रिजेक्शन ही रिजेक्शन हुए हैं शुरुआत में और uh, और हर पड़ाव पे हुए हैं यू नो आई थिंक ओ से पहले तो बहुत सारे रिजेक्शन सहन करें तो एक तो होता है कि आदत ही पड़ जाती है इन सब चीज़ों की प्लस आपको फिर समझ में भी आने लग जाता है कि दिस इज अबाउट बिजनेस यू नो नथिंग इज पर्सनल आप रिजेक्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप खराब एक्टर हो आप अभी जो है इस मोमेंट में जिस चीज़ के लिए आपने ऑडिशन दिया है या मीटिंग करी है उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हो सो देन यू स्टार्ट टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और दुनिया बहुत ज़िंदगी कहने को छोटी भी है और कहने को बहुत लंबी भी है यू नो तो घूम फिर के क्या है बहुत छोटी सी इंडस्ट्री लगती बड़ी है तो घूम फिर के हम सबको एक साथ काम ही करना है एक दूसरे के साथ तो दिल में बात रखने का कोई मतलब नहीं है मन मुटाव करने का कोई मतलब नहीं है ये नहीं होगा तो कल कुछ और हो जाएगा तो आई थिंक ये ये इस उस जगह पे काम करते करते लोगों से मिलते मिलते अपने आप ही आपको समझ में आ जाता है कि रिजेक्शन पार्ट ऑफ योर लाइफ सो डोंट टेक इट टू योर हार्ट अच्छा आपको लगता है कि कई बार ड्यू जो होता है अपना बहुत लेट मिलता है जैसे आपके साथ भी हुआ जब ओ आया तब आपको ब्रेक्स मिलने शुरू हुए अब जाकर आपको एक ऐसा रोल मिला जो कहीं ना कहीं इमेज ब्रेकर

नो और कुछ ऐसी गाइडेंस भी थी नाना मैं किसी की ज़्यादा सुनता था थोड़ा स्टबन हूँ उस मामले में और जो अपने को सही लगता वो ही हूं। है वही करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे काम रिजेक्ट करने लग गया कि नहीं लीड ही करूँगा बस तो ऑब्वियसली उसका रिप्रकशन तो होना ही था नो वो और प्लस इतनी अकल नहीं थी और किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया कि पिक्चर को रिलीज होते होते मैंने सोचा एक डेढ़ साल में हो जाएगी चार साल के बाद हुई तो अब तब तक तो मैं आई रब्ड अ फ्यू पीपल द रोंग वे मना करने में यू you नो know, थोड़ा सिर पे चढ़ गया, गया पहली पिक्चर में हीरो बन गया पता नहीं क्या ये लोग स्ट्रगल करते रहते सालों साल यू you नो know, इस टाइप का बिहेवियर हो गया लेकिन मुंबई जो है ना अपनी फिल्म इंडस्ट्री वो बहुत जल्दी आपको सिखा देती है you know, कि बेटा धरातल पर आ जाओ तो फिर आगे धरातल पे फिर से थिएटर वेटर शुरू किया ऐसा कभी डिस्पेयर होता था फ्रस्ट्रेशन होती थी लेकिन ये भी मन करता था कि छोड़ दूँ लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता था वो पकड़ लेता था वापस यू सर्वाइवल तो, के लिए हाँ तो सर्वाइवल के लिए भी और आर्टिस्टिकली भी जैसे कि जब डिस्पेयर हुआ तो लव सेक्स धोखा मिल गई तो मजा आ गया कि चलो अभी अब अब हो गया काम अपना यू नो फिर उसके बाद भी नहीं हुआ फिर उसके बाद कुछ फंस गए ओबामा मिल गई फिर छोटे 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 काम मिलते रहे जो रोकते रहे यू नो और अच्छे लोगों के साथ काम मिले और तो क्या कि उससे ना एक गाड़ी चलती रही आगे धीरे धीरे खिसकती रही और कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे या कह लीजिए अपने ऊपर विश्वास आ जाता है कि भाई काम तो कर लेते हो तुम यू नो टाइम टाइम की बात है उस उस मोमेंट की बात है जब जैकपॉट लगेगा ऊपर से यू नो फटेगी छत तो और बरसेगा सोना तो उसके इंतजार में फिर आप लगे रहते हो और इतना टाइम निकलने के बाद फिर आप और करोगे भी क्या आपने अपने सारे रिसोर्सेज सारा दिल दिमाग सब इधर ही डाल दिया है इस काम में आप अच्छे भी हो तो अब तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ना मैं हमेशा बोलता हूं कि यार पता है वो डेस्टिनी का क्या चक्कर होता है कि तुम तुम यहां से यहां तक यहाँ से यहाँ तक पहुंचना था तुमको ठीक है ना और तुम यहाँ तक पहुंच गए हो और छोड़ दिया तुमने उसको इतना ही तो बाकी था बस आगे जाना तो वो तुमको कभी नहीं पता चलेगा कितना आगे जाना है तो तो बेस्ट बेस्ट थिंग इज कि चलते रहो ना यार आज नहीं होगा कल लोग हो नहीं होगा कभी तो होगा और जब नहीं होगा तो नहीं होगा फिर तब तक तो जिंदगी तो काट ही ली अच्छे से कम से कम वो तो कर रहे हो जो करना चाहते हो आपको एक्टिंग के कीड़े ने काटा कब था कानपुर में स्कूल में काट लिया था एक्चुअली मेरी मदर uh, जो हैं वो हमेशा उन्होंने पुश किया कि uh, कि एकेडमिक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही पढ़ाई लिखाई इम्पॉर्टेंट है लेकिन बाकी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं तो वो उनका थोड़ा ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप करो और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो स्पोर्ट्स में भी करो और एलुक्यूशन डिबेट्स ड्रामेटिक्स तो पहला प्ले मैंने किया था आई थिंक सेवेंथ या एट्थ क्लास में बहुत मज़ा आया यार बहुत बहुत मज़ा आया उसको करने में और एक्चुअली कुछ कुछ आप चीज़ करते तो ऐसा लगता है ना कि वो क्लिक कर जाता है आपके अंदर कि ये मैं सही कर सकता हूँ प्लस वो मिस्टर बच्चन का फैन भी था और मिस्टर बच्चन ही बच्चन थे उस उन दिनों में तो तो सब देवा तो मैंने कहा यार मतलब मैं तो जिनकी पिक्चरें देखता हूँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं भी एक्टिंग कर सकूँ मैं भी उनकी तरह बन सकूँ हाँ मैं भी मतलब यू नो फिल्मों में जा सकूं सपने थे कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे बैठ के इंटरव्यू दे रहा और फिल्में कर रहा हूँ और यू नो टी पे दिख रहा हूँ लोग तो अच्छा बहुत लगा वो शुरुआत हुई थोड़ी उससे थोड़ी करप्ट उस दिमाग से कि मतलब फेम मिलेगा तालियां पड़ेंगी है ना लड़कियां देखेंगी ध्यान ध्यान देंगी मेरी तरफ भी तो वो बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेप्थ में जाती गई ना बात में करता रहा हर साल हर साल करता रहा तो फिर आने लग गया मज़ा इंटरेस्ट आने लग गया क्राफ्ट में तो वहीं से ही हो गया था वो बीच में सात आठ साल थोड़ा वो एम बी लो वापस करने के बायोग्राफी में, हाँ, में था। आप बहुत छोटे छोटे काम आपने किए यार वो कोई भी करता है वो। और वो क्या क्या किया और वो काम ऐसे कोई मजबूरी में नहीं किया जा रहे थे मजे आ रहे थे उसके अंदर भी तो एक इंडियन पहले दिन गया तो नौकरी लग गई बर्तन मानने की इंडियन रेस्टोरेंट में तो मानजिए बर्तन दबा के इतने अच्छे बर्तन मानता था मेरे से अच्छा मान नहीं सकता <laughs> और फिर वेटिंग कर, वेटरिंग करी आ, उसी रेस्टोरेंट में तरक्की हो गई प्रमोशन कर दिया कि मेरा डिश वॉशर से वेटर में फिर लगा कि यार थोड़े और पैसे चाहिए तो कुछ महीने मैंने दो दो जॉब साथ में करी तो वेटिंग भी करता था फिर वहाँ से शिफ्ट खत्म करता था 12 से सात सेवन इलेवन में काम करता था फिर घर जाता था साढ़े नौ बजे क्लास होती थी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने जाता था तो पाँच छः महीना जब ये करता रहा तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बर्न आउट हो जाएगा मामला इतना ये ऐसे नहीं कर सकता तो फिर कुछ दोस्त बने जो टैक्सी चलाते थे पार्ट टाइम हंदी भी उन्हीं में से हाँ तो वो वो उन्होंने मेरे बाद लिया था लाइसेंस और बड़ी अच्छी टैक्सी चलाते थे बहुत नोट कमाते थे तो और हम लोग एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी चलता रहता था आपस में ना कि कौन ज़्यादा पैसे कमाएगा आज तो वो फिर पता चला कि यार ये जो टैक् ये तो फ्राइडे सैटरडे टैक्सी चला रहा है जितना मैं कमा रहा हूँ ये तो मतलब मेरे तीन गुना ज़्यादा कमा रहा है दो ही दिन में यू you नो know? तो कह तो चलो ये ले लेते हैं फिर उसका लाइसेंस वाइसेंस लिया साथ में पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही थी तो इट्स इट वॉज ऑल इन गुड जेस्ट एंड गुड फन यू नो जो एक इक्कीस साल की उम्र में गया था यार इक्कीस से पच्चीस साढ़े तक था वहाँ पर यू नो तो वो फॉर्मेटिवर्स होते हैं हुँ. या, या अडौल, उस वक्त तो नहीं पता होता कि एग्जैक्टली exactly हम नहीं और और सब कर रहे थे ऐसा थोड़ी हुँ. ना कि मैं ही कर रहा था यू नो और वहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है कि, कि किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को यू नो डाउनग्रेड करना हुँ. या उसको नीचे बुरी नजर से देखना हुँ. तो इट वाज ऑल इन गुड फंड तो सब कर रहे थे तो मैंने भी किया खाने की दुकान खोली थी। मैं आगे? गया एक्चुअली कानपुर वापस, वापस आने का मुझे लगा कि वो जो एक डिसकनेक्ट था पिताजी के साथ उसको थोड़ा कनेक्शन बिठाते हैं उसका तो उनके साथ कुछ काम वाम किया हम लोग उन्होंने कुछ साथ में काम शुरू किया एफ वगैरह का इन फिर वो एक आध साल में कानपुर में ही रहा उसमें भी बड़े मजे आते थे यार एट हंड्रेड मारुति एट हंड्रेड होती थी पीछे सामान रखते थे सीट पे मैं और मेरे बड़े कज़न भाई वो वो थोड़े मेरे गाइड थे मेंटोर थे तो हम दोनों भाई जो हैं पूरा कानपुर शहर कानपुर देहात घूमते थे अपने प्रोडक्ट्स लाइन अप करते थे बेचते थे कलेक्ट कर कलेक्शन करते थे पैसे का शाम को दोनों भाई थक हार के मजदूरी करके एक एक ठंडी पियर और फिर जाके घर में खाना वाना फिर सोना ये बड़ बड़े बड़े मजे आ रहे थे उसमें लेकिन जो चीज़ कसौट रही थी मुझे बहुत सालों से वो यही थी कि जब भी कुछ शो देखता था या प्रोग्राम देखता था या फिल्म देखता था कि यार ये ये मैं कर सकता हूँ ये और ये मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो एज लक वुड हैबिट वो कानपुर में मन लगा नहीं मैं दिल्ली आ गया दिल्ली में अपने मासा जी के साथ उनकी कंपनी में काम शुरू किया अब वो करते करते आई थिंक एक एक आध साल हुआ था या डेढ़ साल मुझे मेरे पुराना दोस्त मिल गया एक थिएटर के टाइम का बैरी के टाइम का तो बैठे उसके साथ बड़े मजे आए यार वो अभी भी थिएटर कर रहा था ही टर्न इन टू अ प्रोड्यूसर तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा था कुछ बहुत बड़ा आ, आ, स्टेज इवेंट तो मैंने कहा यार मैं ट्राई करूं क्या मेरा ऑडिशन ले ले मैं शाम को आ जाया करूँगा बंगाली मार्केट में काम करता था गार्गी में वो था रिहर्सल्स उसने तो बोला यार या, या, प्लीज़ कम तो मैंने ऑडिशन ऑडिशन किया मेरा हो गया उसके अंदर तो मैं ऑफिस में काम करूँ सात बजे तक फिर वहां पे रिहर्सल करूँ तो एकदम से लाइफ में रौनक आ गई प्लस वो जो चीज एक मिसिंग थी ना वो वापस से मिल गई मुझे एक्टिंग और फिर तो ऐसा चस्का लगा वापस कि मैं फिर एक दिन मैंने कहा ये सब नहीं हो पाएगा जो अवधि खाने की दुकान उन्हीं के साथ खोली थी? नहीं नहीं वो अकेले खोली थी अच्छा पार्टनर नहीं था वो उनकी उनके यहाँ जॉब छोड़ने के बाद खोली थी ताकि कम से कम और कुछ नहीं तो खाने को तो मिल जाएगा एक टाइम का और वो जैसे ही खुला चार पाँच महीने में रणदीप का फ़ोन आ गया कि मैं लॉन्च होने वाला हूँ डी में राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी प्रोड्यूस हो कर रहे थे डायरेक्टर विश्राम सावंत थे और आ जाए यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोल्स हैं ऑडिशन ऑडिशन कर और देखते हैं फिर कुछ होता कि नहीं होता फिर हुआ ही नहीं कुछ उसमें मतलब वो फिल्म जिस जब जिस टाइम पे फ्लोर पे जानी थी वो गई नहीं तब तक मैं वापस आ गया बट एक बार मुंबई चख लो ना भाई तो फिर मतलब कहीं नहीं रह सकते क्योंकि इंटरेस्टिंग जो जो चाहिए थे लाइफ वो थी मुंबई में फिर मैंने अपने वो पार्टनर को बोला टेक अवे में कि भाई तू ही संभाल ले अगर ये चलेगा तो कुछ थोड़े बहुत पैसे ईमानदारी से भेज देना अपना जीवन यापन हो जाएगा मुंबई में बट वो भी बंद ही हो गया वो और तो ऐसे आगे मुंबई भाई तब से लगा हुआ पहली फिल्म कैसे मिली थी तनुजा चंद्रा पहली रणदीप को ऑफर हुई थी वो उसने रेकमेंड किया मुझे और मैं उन दिनों पृथ्वी के लिए कुछ तैयारी कर रहा था शरद जोशी की कहानी थी भगवान और मुर्गा तो मैंने अब तैयार करी थी परफॉर्म करने के लिए तो तनुजा जी ने बोला कि मैंने सुना तूने कुछ अपना कुछ तैयार कर रखा है मैंने कहा बोला लेकिन आप इंग्लिश फिल्म बना रहे हो तो हिंदी में तो उन्होंने बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आके वही करना मेरे सामने तो वो किया मैंने जब तक मैं वापस रिक्शा में बैठ के वापस अपने घर की तरफ आ रहा था उनका फ़ोन आ गया कि यू वेरी गुड और जब मैं कर रहा था बहुत हंसी हुई वो तो लग तो गया था कि कुछ अच्छा कर दिया है मैंने कि यू वो वेरी गुड और थोड़ा तेरा वेट वेट पे थोड़ा ना कम करते हैं थोड़ा स्क्रीन के लिए ना तो मैंने रणदीप को फोन किया मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है वेट कम कर वगैरह इडियट हो गया तेरा इसको <laughs> मतलब क्या बात है यार तो वो इतना वो इतना क्विक और आसान था ना कि वो मेरे से झेला ही नहीं जाए थे और आई थिंक अगर अगर वो तीन चार साल और बीच में वो जो वॉयड आया अगर वो नहीं आया होता ना तो मैं आज से हल्का ही एक्टर होता उसने मुझे और चीजें सिखाई लाइफ के बारे में राइट

बड़ मरता क्या ना करता पैसे मिल रहे थे बढ़िया काम मिल रहा था और गुरमीत को मैं पहले से जानता था वो उसमें एसोसिएट थे करण अंशुमन के तो जान पहचान भी ठीक ठाक थी और करण भी बड़ा अच्छा लगा मुझे तो मैं कर लेते हैं इसको प्लस उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया यार तो मैं जो जो देवेंद्र मिश्रा था ना वही एग्जैक्टली मैं था उन दिनों फ्रस्ट्रेटेड और मतलब ग्लास सीलिंग है ऊपर दिख रहा है सब पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सिर्फ तोड़े जा रहे हैं अपना तो मैंने सब उड़ेल दिया अपना उसके अंदर एंड uh, मजा भी बहुत आया एंड इट रियली वेल तो फिर करण ने मुझे मिर्जापुर ऑफर कर दिया तो मैंने फिर मिर्जापुर किया फिर एक बार ये दोनों चीजें आ गई तो फिर अपने आप ही चालू हो गया रोलिंग कब लगा आई हैव अराइव्ड मुझे किस कैरेक्टर के बाद आज तक भी नहीं लगा मुझे पहले फिल्म में लगा था उससे सीख गया भाई मुझे 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 बिल्कुल ना लगाना है ना लगना <laughs> है कि आई अर क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती यार <laughs> बहुत बहुत सेंसिटिव जगह है फिल्म <laughs> इंडस्ट्री ना और एक्स रॉबर्ट डीनि का एक बार मैंने कुछ तो इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा था कि हाउ टू हैंडल सक्सेस तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली थी कि जितने सक्सेसफुल हो रहे हैं ना उतने रिलैक्स हो जाओ एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं काम करते रहो सपना तो वही करना है बस अपना खुद का काम देखते हैं स्क्रीन पे नहीं यार अभी रिसेंटली कुछ-कुछ चीजें देखनी चालू करी हैं बट बहुत خوف तो होती है अपना काम देखने कमियां दिखती हैं बहुत मुश्किल कमियां क्या दिखती हैं यार दिमाग जो है ना वो बड़ी अजीब सी चीज है वो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कुछ देखता हूं तो मैं एज एन ऑडियंस तो अब देख ही नहीं पाता हूं उसको स्पेशली जब अपना जिसमें मैंने काम किया तो तुम अपने को देख रहे हो अरे आँख ऐसे कैसे कर दी थी नाक क्यों खुज आई ठीक है ना ये शर्ट कैसी लग रही थी वो कैसी लग कैसे जबकि ये सब बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए दिमाग के अंदर यू नो और उस चक्कर में इट इस, इट इज़ इज़ वेरी अन अनप्रोफेशनल कह लो या कि इट्स अनफेयर कि तुम अपने को इतना देख रहे हो फिर तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है अब आधा तो एपिसोड ही निकल गया तब तक यू नो तो तुम दूसरों का भी काम ही नहीं देख रहे हो तो फिर देखो ही मत इससे अच्छा है क्यों अपने आप को मुसीबत में डालना है यार क्यों दिमाग को कष्ट देना है तो बट कभी कभी ऐसा डबिंग वबिंग करने के लिए तो देखना ही पड़ता है एडिटिंग वेडिटिंग में थै? और सबसे पहला काम मैंने पूरा टोटल बैठ के देखा मैं सुभाष कपूर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया महारानी के टाइम पर और बोला कि ऑफिस का दरवाजा बंद करा दूंगा अगर जानने की बात करी चुपचाप बैठ के देख तब देखा मुझे ये भी डर लगता है कि अपना ही काम ना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए पता नहीं अपना ही काम चढ़ गया दिमाग में यू नो मैं 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 अवॉइड करता नहीं देखता मैंने मैंने जब देखी थी तो तो विवेक को मैंने बोला भाई कोई कुछ भी भी बोले, बहुत बहुत ही कमाल की फिल्म फिल्म फिल्म। बनाई तुमने यार, मतलब मुझे मैं, मुझे लग रहा था तुम अच्छी 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 बनाओगे, लेकिन ये तो अच्छी से भी बहुत अच्छी है ये से है उसका साउंड क्वालिटी अगर अगर आप लोगों के पास घर में अच्छा साउंड सिस्टम है ना उसपे जरूर देखेगा क्योंकि गाने और बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही सुंदर है म्यूजिक भी बहुत प्यारा है बहुत मतलब जो थीम के हिसाब से जाता है आप बिल्कुल रिलेट करते हो सब गाने गानों कहानी को आगे बढ़ सब गानों की लिरिक्स भी यही है विवेक

क्योंकि ये फिल्म इमोशनल है लोग कई आपने तो देखी है फिल्म। मैंने तो देखी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा ऐसा सीन रहा जो आपको इमोशनल कर गया वो जो सीन है सर दो सीन है एक्चुअली एक तो जब प्रकाश जो है घर छोड़ के फाइनली जा रहा है और अपना अपने कपड़े पैक कर रहा है और चीनी कपड़े उसके सूट से निकाल के बेटी जो बनी मेरी वो वापस अलमारी में रख रही है और वो लड़की ने तो यार मतलब मैजिक ही कर दिया बहुत तो, वो रोने लग गई वो वो रोने लग गई मैं रोने लग गया और जो पहला टेक था आ, मास्टर वो इतना ब्यूटीफुली कैप्चर हो गया वो और थैंक गॉड इन्होंने कम से कम दो कैमरे लगा रखे थे तो मतलब दो एंगल तो मिल ही गए बट अब बाकी जगह से भी एंगल से भी शूट करना था तो मैं तो यार मैंने कहा ये तो इतना परफेक्ट हो गया है यार अभी ये अब कट हो गया है अब फिर ये सेटअप हो रहा है वो इंटेंसिटी वो बच्चे चलो मैं तो चलो एक्टिंग एक्टिंग करके कुछ तो नहीं रो पाया तो नहीं लगा लूंगा यू you नो know, तो निकाल लूंगा उसको ये कैसे करेगी बट एवरी टाइम शी मी द द द राइट राइट क्यू क्यू रिदम फॉर इट टू गो फॉर इट इट वॉज डे इट वॉज मैजिकल इतना इतना रोना धोना हो गया कि क्रू भी रोने लग गया uh. और कुछ ब्रेक ब्रेक देना पड़ गया उनको चालीस पैंतालीस मिनट का कि रिलैक्स करो यार जाकर थोड़ा मैजिकल दिन था वो फिर एक जो ट्रेन में है जब मैं मेरा कैरेक्टर जो है वो जूते डिस्कवर करता है ट्रेन में बैठ के yes. बहुत ही पॉइंटेंट वो बहुत इमोशनल बहुत पॉइंटेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे वो और भी बहुत मोमेंट्स अच्छे हैं ये थोड़े थोड़े उस तरीके के थे ना इंटेंस इंटेंस आ, 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 फादर और यू नो बेटी का और बेटे का जो प्यार है देयर लव टाइप और ये भी दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फादर का रिलेशन अलग है डॉटर का हमने देखा है कि पापा जो है, तो तो लड़के ऐसे ही होते हैं हो, और लड़कियां वैसी होती आपकी फैमिली ने देखी उनका कोई रिएक्शन बहुत रो यार मेरी मम्मी तो एक्चुअली रोने में एक्सपर्ट है तो फटाक से रो देती बट फैमिली ने देखते ही आ, सबका यही मैसेज आया यार कि रुला दिया यार मतलब जो भी आप जो भी बचपन है वो सब याद आ जाएगा आपको फिल्म हाँ, देख ये ये नो डाउट मैं मैं तो मैं बता रहा देखेउट मुझे खुद बहुत और मैंने अगर आप अगर, पेरेंट हैं तो आपको वो इतना रिलेटेबल है ना फिल्म का टॉपिक और और चलो इसमें तो जो है वो तो एविडेंटली थोड़ा माइग्रेशन के इशू को क्लाइमेट चेंज के इशू को थोड़ा उजागर किया गया है लेकिन कभी भी यार मैं जैसे मेरी छोटी बेटी है अभी ठीक है ना ऑलमोस्ट दो साल की हो जाएगी तो मन ही नहीं लगता यार मैं तो चार पाँच दिन से घर से बाहर हूँ तो चित्ती नहीं लग रहा है यू नो समथिंग इज अमिस वैसी फीलिंग के साथ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ तो जो लोग यार चले जाते होंगे शहरों में काम करने सिर्फ यू नो खाना खाने के पैसे कमाने के लिए कि बच्चों का स्कूल हो पाए पीछे मरम्मत हो पाए वो दीवार फूट गई है पानी बहरा उसमें से एक एक साल में जाके मिल पाते हैं एक एक बार यू नो तो क्या उनके ऊपर क्या बीतती होगी आई थिंक तो बहुत रिलेटेबल है टॉपिक और मुझे लगता है कि बेटी अब थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसे समझ में जब सिनेमा आएगा तो मुझे लगता है इस फिल्म के लिए वो आपको यार मुझे, बोलेगी मुझे एक बड़ा एक ब, अब अब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लग गई है जब से बेटी आई है कि कि ठीक है बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए ऐसा नहीं कि बस हुँ. ये ऐसा ही करते रहो यू नो बट ये कॉमन मैन स्टोरीज यू नो थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरीज और ये सब करने का बड़ा मन है कॉमेडी करने का बड़ा मन है नो मतलब ऐसा ऐसी फिल्मोग्राफी होनी चाहिए कि बेटी जब बड़ो होकर मेरी फिल्में देखे ना तो बोले मज़ा आ गया मज़ा आ गया मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो बड़ी होकर देखेगी तो थैंक यू बोलेगी आपको इस फिल्म के लिए और थैंक यू सो मच थैंक यू ऐसी फिल्म करने के लिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम को बस दुआ कीजिए ऐसी फिल्में मुझे मिलती रहे और मैं बना बिल्कुल मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये फिल्म वो काम करेगी और प्लीज़ इस फिल्म को मतलब जरूर देखिएगा क्योंकि फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको टच करेगी और आ, बहुत कम ऐसा होता है अमित कि हम ना फिल्म देखने के बाद इंटरव्यू करते हैं नॉर्मली क्या होता है पिक्चर आती नहीं है या फिर नॉर्मली आप भी जैसे जिन जर्नलिस्ट के साथ बैठ के इंटरव्यू करते हो तो पिक्चर नहीं देखी होती है तो हम उतना रिलेट नहीं कर पाते लेकिन क्योंकि मैंने देखी और मैं तो कंट्री में नहीं था मुझे बाहर कहीं पता चला मैंने वहाँ देखी क्या तो बात है? तो क्या तो बहुत शानदार है और उसके बाद तो मेरा आपसे इंटरव्यू करने की इच्छा है है वो बेटर भी है ना कि मतलब आपके आपके पास पास बात करने की, की, की से है से करने करने। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लवली टॉकिंग टू आवर न्यूज चैनल एबीपी